तो भाई लोग आईपीएल का सीज़न चल रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का। और मैं सोच रहा था कई दिनों से कि यार एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें क्रिकेट वाली मूवीज़ को कवर करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 मूवीज़ बताने वाला हूं जो कि इंडियन क्रिकेट मूवीज़ हैं और ये हिंदी में है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, इनका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली फ्रीली वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और फालतू बकवास नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि आप किस आईपीएल टीम को सपोर्ट करते हैं, और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो मेरे लिस्ट में 8 नंबर पर मूवी है उसका नाम है चैन कुली की मेन कुली, जो कि आई थी 2007 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पर एक ऐसा मैजिकल बैट रहता है जो कि एक बैट्समैन पा जाता है, और उसके बाद तो भैया उसकी चांदी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा रन मारने लगता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब उसका बैट टूट जाता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो बिना मैजिकल बैट के बहुत सारे रन मार पाएगा या फिर नहीं। और उसके बाद है अजहर, जो कि आई थी 2016 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो ये एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि बेस्ड है मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ पर। तो हुआ कुछ ये था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर एक ब्लेम लगा था कि उन्होंने कोई मैच को फिक्स किया है जिसके वजह से उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था क्रिकेट से। लेकिन उनका जो केस था वो बहुत ही लंबा चला था और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने केस को जीतने के लिए। एंड एंड में क्या होगा वो तो आप इस मूवी देखेंगे। आपने अंडरप्ले करने के लिए MK शर्मा से 1 करोड़ रुपए लिए थे। और उसके बाद है पटियाला हाउस, जो कि आई थी 2011 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। तो अक्षय कुमार जी और ऋषि कपूर जी की मूवी है जिसमें अक्षय कुमार एक बॉलर बनना चाहते हैं और उनका सपना है कि वो इंग्लैंड टीम के लिए खेलें, लेकिन उनके जो फादर हैं वो सहमत नहीं हैं। अब ये तो हर घर की कहानी कि अगर कोई भी बच्चा कुछ बड़ा करना चाहता है जिसमें बहुत सारा रिस्क है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है। अगर पेरेंट्स सहमत होते हैं तो वो काम काफ़ी आसान हो जाता है, और अगर नहीं होते हैं तो भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसा ही इस मूवी में होता है। अब क्या अक्षय कुमार जी अपना सपना को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, क्या वो उनका सपना सपना ही रह जाएगा या फिर असलियत में बदलेगा, इस चीज़ को देखने के लिए आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। और उसके बाद इकबाल, जो कि आई थी 2005 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। बहुत ही गजब की मूवी है जिसमें एक इकबाल नाम का इंसान रहता है जो कि बहुत ही गरीब है और वो ना सुन पाता है ना बोल पाता है, और फिर भी उसका जो सपना है वो बहुत ही हाई है। उसका सपना ये है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बॉलिंग करना चाहता है, अपने आप को इंडियन क्रिकेट टीम में देखना चाहता है। अब क्योंकि वो गरीब है, ना बोल पाता है ना सुन पाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल मूवी भी है। तो आप कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं, मतलब कोई भी बड़ा सपना है, तो इस मूवी को जरूर देखिए, आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। और उसके बाद जर्सी, जो कि आई थी 2019 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। तो ये साउथ इंडियन की मूवी है जिसमें होता ये है कि एक बैट्समैन रहता है जिसका सपना रहता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए, बट सिलेक्शन टाइम में कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से वो इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाता है। अब क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं हो पाया है तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही मतलब अजीब हो जाती है, मतलब उसको पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, पैसे नहीं रहते उसके पास, और डे बाय डे वो बूढ़ा होता जा रहा है। तो उसका जो क्रिकेट का सपना है वो भी मतलब एकदम खो चुका है। बट वो क्या है ना कि करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी वो जब 35 साल से भी ऊपर हो जाता है उसके बाद वो कमबैक करता है। तो अब मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको अगर आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये कि आपने अभी तक बॉलीवुड में कोई मूवी ही नहीं देखी, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑस्कर में भी इसको नॉमिनेशन मिला था, अब शायद आप लोग जान गए होंगे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लगान के बारे में। तो लगान आई थी 2001 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। आमिर खान जी की ये मूवी है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि अगर आप वाकई में क्रिकेट के फैन हैं तो इस मूवी को तो कतई ही ना मिस करिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दूं, ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमको जीतनी है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली। परों के वास्ते मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा। और उसके बाद है सचिन आ बिलियन ड्रीम्स, जो कि आई थी 2017 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि बेस्ड है सचिन तेंदुलकर सर जी के लाइफ पर, और इस फिल्म में आपको सचिन तेंदुलकर जी ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सचिन जी खुद ही अपने लाइफ को नरेट कर रहे हैं, मतलब कि उनके जो पास्ट इवेंट्स थे
उन सभी इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं, उनका सफ़र, उनका स्ट्रगल कैसे रहा इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए, या फिर इस चीज़ को जानने के लिए, या फिर इस चीज़ को समझने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं यहाँ पर जो मेरे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर मूवी है, तो इसका नाम है एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि आई थी 2016 में, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। आप में से बहुत लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई इस मूवी को तो मैंने ऑलरेडी देख लिया है, तो अगर आपने देख लिया तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट मूवी बहुत ही गजब थी, इस वजह से मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर रखा है। अब माही सर के बारे में भाई कौन नहीं जानता, इंडिया में कौन ऐसा बंदा है जो माही सर के बारे में नहीं जानता है। अब क्या है कि क्योंकि इसमें लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी नज़र आए हैं, मतलब नज़र क्या, मतलब वही लीड करेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उनको देखने के लिए भी आप इस मूवी को देखिए, उनकी याद में आप इस मूवी को देख सकते हैं। और क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे जो माही सर हैं वो रिटायरमेंट ले लिए, तो अब क्या है कि वो दोबारा इंटरनेशनल मैच तो खेल नहीं सकते, बट ये जो मूवी है इसमें आपको उनकी लाइफ के बारे में पूरा चीज़ जानने को मिल जाएगा, जो वर्ल्ड कप तक का सफ़र था वहाँ तक का सफ़र आप इस मूवी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको ज़रूर देखिए। तो यही थी आज की मेरी ये लिस्ट, और अगर आपने इस लिस्ट में से किसी भी मूवी को देखा है उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो मूवी आपको कैसी लगी है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं क्रिकेट वाली वेब सीरीज़ बताऊँ, मतलब कि ऐसी वेब सीरीज़ जो कि क्रिकेट पर बेस्ड है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को बनाऊं, तो कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर देना, बाकी सब्सक्राइब घंटा जो भी है सब दबा देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर।